बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और रोज़ रोज़ उनकी नई फरमाइश कि आज ये बनाओ टिफिन में तो ये फिर मैंने सोचा ऐसा क्या बनाऊँ जो बच्चे के लिए हेल्दी भी हो और झटपट बन भी जाए जो वो टिफ़िन पूरा ख़त्म करके आए तो चलिए बनाते हैं तो इसके लिए मैंने लिया है एक बाउल और उसमें डाला है मैंने दो कप सूजी फिर मैंने डाला है एक कप दही मैंने यहाँ थोड़ी सी खट्टी दही का यूज़ किया है लेकिन अगर आपके पास फ़्रेश दही है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं इसके बाद मैंने डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसे मिक्स कर लेंगे यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला है इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे करीब पंद्रह मिनट के लिए ढक रख देंगे पंद्रह मिनट के बाद सूजी अच्छे से फूल गई है अब इसमें डालेंगे कुछ सब्जियाँ तो मैंने यहाँ पर डाली है कटी हुई गाजर कटी हुई शिमला मिर्च एक प्याज़ एक कटा हुआ टमाटर दो हरी मिर्च फिर इसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा हरा धनिया इसे मिक्स कर लेंगे बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैंने यहाँ पर थोड़ा पानी डाला है और इसे घोल लिया है अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारा बैटर तैयार है अब हम इसका चीला बनाते हैं तो तवे पर मैंने डाला है थोड़ा सा तेल और इस पर डालेंगे दो चम्मच सूजी का बैटर इसे थोड़ा फैला देंगे और धीमी आंच पर उलट पलट कर सेक लेंगे वैसे आप सब अपने बच्चे को टिफ़िन में क्या देते हैं जो हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो सूजी का बहुत ही टेस्टी चीला बनकर तैयार है इसे आप नाश्ते में भी बनाकर खा सकते हैं तो मैंने इसे टिफ़िन में डाल दिया है इसके साथ मैंने टोमेटो सॉस डाली है और कुछ क्रीम बिस्किट्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स तो आप सब भी ये हेल्दी सूजी का चीला ज़रूर बनाइएगा और कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा माधुरी किचन को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और खाएं खेलें और खुश रहें